ये एमपी पुलिस का जवान है और इसे बीच सड़कों पर पीटा जा रहा है। लगातार डंडे बरसाए जा रहे हैं और इसकी पिटाई एक अदना सा शख्स कर रहा है, वो भी इसीलिए क्योंकि पुलिस वाले ने रफ ड्राइविंग कर रहे युवक को टोका था, जो युवक को नागवार गुजरा और उसने वहां रखे एक डंडे से पुलिस वाले की पिटाई शुरू कर दी। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल यह घटनाक्रम कल दिनांक 8 अप्रैल के दोपहर लगभग 2:30 बजे का है, जो कि थाना एरोड्रम क्षेत्र के वेंकटेश बिहार कॉलोनी का है। इसमें एक आरक्षक जो कि थाना गांधीनगर में पदस्थ है, जयप्रकाश जायसवाल, वह अपनी ड्यूटी समाप्त कर अपने परिजनों को लेने रेलवे स्टेशन जा रहा था और उसी दौरान वेंकटेश बिहार कॉलोनी का ही रहने वाला दिनेश प्रजापति नामक व्यक्ति उसकी बाइक आरक्षक की बाइक से टकराई। आरक्षक द्वारा उसे समझाइश दी गई, जिस पर उसने आरक्षक के साथ अभद्रता की और मारपीट करते हुए उसके सिर पर ईंट मारी। आरक्षक के द्वारा उसे रोका गया, जिस पर उसने और अधिक आवेशित होकर और डंडे से उसने आरक्षक पर प्रहार किया है, जिसमें उसके सिर और अन्य वाइटल पार्ट्स पर उसके द्वारा बड़े ही आक्रोशित होकर के मारपीट की गई है। आरक्षक की रिपोर्ट पर उक्त दिनेश प्रजापति के विरुद्ध हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और आरोपी को राउंड अप भी कर लिया। किन किन धाराओं में किया है मामला दर्ज? प्रकरण में प्राइमा फेसी जब वीडियो हमारे पास सामने नहीं आया था, तब उस समय मारपीट की धाराओं में 293, 321, 541, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, लेकिन वीडियो के अवलोकन के पश्चात इससे स्पष्ट है कि उसके द्वारा उस पर आवेशित होकर प्राणघातक हमला किया गया है। वाइटल पार्ट्स पर सिर पर चोटें पहुँचाई गई हैं, जिससे हमने धारा 307 उसमें बढ़ाई है और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी क्या करता है? आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड थाना एरोडम क्षेत्र में नहीं है, हमने और थानों से आसपास से जानकारी मांगी है और ऐसा भी जानकारी लगी है कि यह खाने पीने का एक नशा इत्यादि करने का भी आदि है, जिसके संबंध में भी हम साथी उठा रहे हैं। क्या सर उस समय नशे में था? नहीं, ऐसा कोई मेडिकल परीक्षण में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है जिससे लगा कि उस समय वो नशे में रहा हो, लेकिन उसके व्यवसाय के बारे में जैसा आपने बताया, कोई ऐसा कोई सर्विस इत्यादि वो नहीं करता है। आरोपी का जो कृत्य था वह पूर्णतः एक गंभीर आपराधिक कृत्य है, जिस पर एप्रोप्रिएट एक्शन। ये पूरी घटना हुई इंदौर के वेंकटेश विहार में। बताया जा रहा है कि युवक अपनी गाड़ी से तेज रफ्तार में आ रहा था, उसकी गाड़ी आरक्षक को टच कर गई, जिसको लेकर आरक्षक जयप्रकाश जायसवाल ने युवक को टोका, जिसके बाद उसने पुलिस वाले की ही पिटाई शुरू कर दी। फिलहाल युवक की पिटाई से पुलिस वाले को गंभीर चोट लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।